और हम जैसे कि गाड़ी में भर के निकल चुके हैं, दीदी और मैं बैठे हैं पीछे, हमें यही सीट मिली है। धूप निकल गई है यहाँ पे और वेदर अभी ठीक ठीक है, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं है और ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है एक्सट्रीम। तो अब टाइम हो गया है यहाँ से निकल के, हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल, वो थोड़ा स्ट्राइट पे है तो हमने कैब बुक कर ली, अपनी गाड़ी तो यहीं पार्क है। हमने बोला था कि इनोवा बुक करिए बट आई कुछ और है, वो अभी आपको दिखाते हैं क्या आई है। और हमें लगता है कि हमारा बहुत ही बड़ा पोपट हो गया है। अगर आप इतना हाइट पे आ रहे हो तो अपनी गाड़ी लाना तो बेकार है, बहुत गाड़ियां भी रस्ते में फंसी हुई मिली है। और क्या कहते हैं, आप कैब भी करके आ सकते हैं नॉर्मली, और चार्जेस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बच्चों के 400 रुपए और क्या 1500 फ्रॉम शिमला। और क्या बैडमिंटन सब ला रखा है, और हम उसके लिए खेलने के लिए बॉल और कॉक लेने जा रहे हैं ताकि हम मजे कर सकें। और कॉक कुछ नहीं मिल पाएगी, अब हमें कुफरी जाके मिल पाएगा कुछ भी। और जो हमारा रिजॉर्ट है वो हमने ऑनलाइन बुक करा है, कहाँ से वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे आपको। हाँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी जो रिजॉर्ट का नाम है वो एक और है, अगर आप कभी भी यहाँ पर आओ ना तो एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम रुके थे लास्ट टाइम भी जब हम आए थे। अगर आपको कभी भी, अगर आप जब भी कुफरी आओ तो आप यहाँ पे आ सकते हो, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका खाना भी बहुत अच्छा है। हम लास्ट टाइम भी आए तब ये कुफरी के रास्ते में पड़ता है। हाँ, ये कुफरी के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी गाड़ी की बढ़िया एकदम, और व्यू भी देखो कितना सही मिल रहा है। तुझे याद देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी सौटा।
खरा। ये हमारा रिजॉर्ट है, पता नहीं कहाँ भूल भुलैया में, जो कि मिल ही नहीं रहा है, और इसके लिए अब हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। कितने 2 किलोमीटर की है ना अभी, 2 किलोमीटर अभी हमें ऐसे ही जाना है। मजा आ रहा है बहुत गाड़ी चलाने में, बहुत बहुत मजा आ रहा है। रास्ता दिखाऊंगा वेट में, आपको व्यू दिखाते हैं, व्यू एंजॉय करो, हमें मजा आ रहा है व्यू देखने। ये तेरी चांद वालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद वालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे होलियां। क्या सही व्यू है ना, और बहुत ही पीसफुल सी प्लेस है, बिल्कुल शांति सी, मतलब थोड़ा एडवेंचर है, चढ़ाई उतराई ऑफ रोडिंग, पहाड़ जंगल, जंगल के बीचों बीच है, बिल्कुल बहुत शांत है ना, बस जैसे शिमला में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो चीज़ें नहीं है ना। और ये फोकस करके गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि देखो कैसे सूट पटियाला तेरा जुत्ती अमृत सरिया, दिल कमजोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे मेरा इश्क नहीं मुकड़ा, सच्चा है प्रॉमिस चटदा, लड़ी नैनों के पीछे ओहो तू दूर से मुझको खींचे, आहा लड़ी नैनों के पीछे हां जी तू दूर से मुझको खींचे, ओहो तोर तो पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। और काफ़ी ऑफ रोडिंग के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने रिजॉर्ट। यहाँ का आप व्यू देखो, यहाँ बस ये है कि यहाँ बस व्यू देखो, और चीज़ें तो बाद में देखेंगे, बस व्यू देख कर ही हमारा पेट भर गया वहाँ पर ना। कितना सही है ना, कितना मस्त लग रहा है ना, मतलब बहुत ही शांत सा बिल्कुल दूर, और जैसे शिमला में भीड़ भाड़ और वो सब था, और इतने सारे बैग्स भी हमारे और बैग ना बढ़िया हवा चल रही है, जैसे हमारे वहाँ गर्मी हो रही है, है मगर हमें मिला भी, ओ मेरे पास तो मैं ही गरीब हूँ, अगर आप नहीं लेकर आओगे छोड़ आओगे भूल जाओगे तो यही है पता। वैसे पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम को यहाँ पे पूरे बादल बादल हो जाएंगे, और हम यहाँ पे ये वो भी कर सकते हैं कैंडल लाइट डिनर के लिए, भी बढ़िया लोकेशन है सामने पहाड़ी पहाड़, तो सरप्राइज दे रही होगी मुझे कैंडल लाइट डिनर का। चाय के साथ पकौड़े हो जाए तो अलग ही मज़ा, और अब ऑलमोस्ट अंधेरा सा हो गया है, और बस सनसेट बस ओवर होने वाला, मन ही नहीं कर रहा मेरा कि मैं इसको छोड़ के कहीं जाऊँ।